इन दिनों उत्तर भारत और उत्तर पूर्व से लेकर देश भर में नवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है। उनके नौ रूपों को नौ दिनों तक पूजा जाता है, जिसमें उनके बाल स्वरूप से लेकर उनकी युवावस्था शामिल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा में दुर्गा मूर्तियों को बनाने के लिए जब तक वैश्याओं के आंगन की मिट्टी को शामिल ना किया जाए, तब तक ना तो मूर्ति को पूरा समझा जाता है और ना ही दुर्गा माँ उस पूजा को स्वीकार करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, साथ ही साथ ये जानकारी आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ दुर्गा की मूर्ति के निर्माण के लिए वैश्याओं के आंगन की मिट्टी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस मिट्टी के अलावा तीन ग और हैं, जिनके बिना ये मूर्ति अधूरी होती है। गंगा किनारे की मिट्टी, गोबर, गोमूत्र। वैशालय की मिट्टी के प्रयोग के पीछे कई कहानियां हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार कुछ वैश्याएं गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तभी उन्होंने घाट पर एक कुष्ठ रोगी को बैठे हुए देखा। वो कुष्ठ रोगी लोगों से गंगा स्नान करवाने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन लोग उसके कुष्ठ रोग के कारण उसे गंगा स्नान करने से परहेज कर रहे थे। तभी वैश्याओं ने उस रोगी को गंगा स्नान करवाया। मान्यता के मुताबिक वो कुष्ठ रोगी और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव थे। भगवान शिव वैश्याओं के इस निस्वार्थ भाव को देखकर उनसे काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। तब वैश्याओं ने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी के बिना दुर्गा मूर्ति ना बन पाए। शिव जी ने वैश्याओं को यही वरदान दिया और तब से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक एक वैश्या माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन वो समाज में अपने तिरस्कार से बहुत दुखी थी। तब माँ दुर्गा ने उनकी सच्ची श्रद्धा को देखते हुए उन्हें ये वरदान दिया था कि जब तक उनकी प्रतिमा में वैशालय की मिट्टी को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक देवी उस मूर्ति में ना तो वास करेगी और ना ही उसे पूजा को स्वीकार करेगी। लेकिन अगर आज के समय से इसे कनेक्ट करके देखा जाए तो सबसे चर्चित मान्यता जो है वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वैशालय में जाता है तो वो अपने पुण्य कर्मों और अपनी पवित्रता को उसके द्वार पर छोड़कर ही अंदर घुसता है, इसलिए उनके आंगन की मिट्टी को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। पुरुषों के लोभ और काम वासना की वजह से ही आप जानते हैं कि वैशालयों की शुरुआत हुई थी। वैश्याएं पुरुषों की काम वासना को शांत करती हैं, खुद को अशुद्ध और समाज को शुद्ध करती हैं। लेकिन इसके बदले वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्रियों को समाज में कभी भी अपनाया नहीं जाता, वो अपनी पूरी जिंदगी तिरस्कार झेलती हैं। यही कारण है कि वैशालय की मिट्टी को दुर्गा पूजा में शामिल कर समाज में एक संदेश देने की कोशिश की गई है, जिससे ये बताया जा सके कि वैश्याएं भी सम्मान का अधिकार रखती हैं। कई लोग इस परंपरा को समाज में सुधार और बदलाव लाने के तौर पर भी देखते हैं। लोगों का मानना है कि मूर्तियों के निर्माण में वैशालय की मिट्टी के इस्तेमाल का मकसद उसे पितृसत्तात्मक समाज के मानस को ध्वस्त करना है, जिसकी वजह से महिलाओं को इस नरक में धकेलने वाला ये कारोबार चल पाता है। इन सभी मान्यताओं की वजह से ही इस अनोखी प्रथा का चलन शुरू हुआ। माँ दुर्गा की सबसे ज्यादा मूर्तियां कोलकाता के कुमरटली इलाके में बनाई जाती हैं। आपको बता दूं कि कोलकाता के सबसे बड़े वैशालय सोनागाछी की मिट्टी ली जाती है। इसके अलावा इसमें गंगा घाट से ली गई मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने वाले कारीगर देश भर से यहाँ आते हैं और यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं और तब दुर्गा मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनने के बाद इन्हें बड़े बड़े पांडाल में स्थापित किया जाता है और पंचमी तिथि से इसकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है। विजयदशमी के दिन धूमधाम से पूजा करने के बाद इस मूर्ति को सम्मानजनक तरीके से विसर्जित कर दिया जाता है। आपको कैसी लगी ये जानकारी नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नबील गौर के साथ मैं मीनाक्षी।